अजमेर ग्रामीण सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव 2020 को लेकर अजमेर प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं ईवीएम वितरण के लिए स्ट्रांग रूम व सुरक्षा संबंधी निर्देश भी दिए गए। अजमेर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए एडीएम कैलाश शर्मा ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और निर्भय रूप से आयोजित करवाए जाएं और आचार संहिता का पालन पूर्णता किया जाए, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और चुनाव के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर के अलग अलग जो सेल बने हुए हैं उनके साथ में मीटिंग की जा रही है और उनके द्वारा जो तैयारियां अब तक की गई हैं उनकी समीक्षा करके और यदि कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आज जो मीटिंग हुई थी उसमें विशेष रूप से जो ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम तैयार किए जा रहे हैं उनके संबंध में चर्चा की गई और किस प्रकार से ईवीएम को उनमें रखना है, किस तरह से वितरण होगा और वापस उनका संग्रहण होगा, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई।